हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील नहीं करी जाती? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स कमीशन। तो बताइए मुझे इसका आंसर। सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों ने मेरे को बताया वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, क्यों ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता? जरा मुझे अब इसका आंसर भी बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को उस यहां पर जगह नहीं दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं और P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर सारे अप्रोप्रिएशन आते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बांटेंगे। लेकिन चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको बांटना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर है सबके, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स is used at the time of admission of new partner। मतलब नीचे दिए गए कौन सी सिचुएशन में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज करेंगे जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब। When new partner brings only a part of his share of his goodwill, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet, when a new partner brings his goodwill in cash। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में जब गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल हमको बैलेंस शीट में दे रखी होती है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डेबिट कर देते हैं और बाकी सब में हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री पास करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तो बताइए रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता? रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता? ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल या फिर इशूड शेयर कैपिटल? तो बताइए मुझे इसका आंसर, किस रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट नहीं होता? यहां पे लिखा हुआ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बताइए आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है। रिजर्व कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हम वाइंडिंग अप के टाइम में शेयर होल्डर से मंगवाएंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है जरा ये डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम शेयर जो कंपनी इशू कर सकती है क्या रिजर्व कैपिटल उसका पार्ट होती है? बिल्कुल पार्ट होती है भैया, जब मैक्सिमम में से ही तो हम मंगवाएंगे तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है बिल्कुल सही, जब तक शेयर होल्डर सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक उसे पैसा मंगवाया जाएगा नहीं मंगवाया जाएगा, हाँ या ना? जब तक शेयर होल्डर सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक उसे मंगाएंगे कैसे? तो रिजर्व कैपिटल का सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, द आंसर इज यस। क्या अनसब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है रिजर्व कैपिटल? जो शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए, जिस शेयर होल्डर ने शेयर सब्सक्राइब ही नहीं किया उससे पैसा मंगाएंगे? जो मेरा स्टूडेंट है ही नहीं मुझसे फीस मांगूंगा, ले बेटा फीस दे मेरे को, हाँ या ना? नहीं, तो अनसब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट वो नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गया। क्या इशूड कैपिटल का पार्ट होता है? बिल्कुल होता है भैया, जब हम शेयर इशू करेंगे तभी तो वो सब्सक्राइब करेगा, हाँ या ना? तभी तो उससे मंगाएंगे। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इज अनसब्सक्राइब कैपिटल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी विद लॉजिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज अ इनकम ऑफ 16,000
इनकम ऑफ 16,000, ठीक है मैं हाईलाइट कर देता हूं। डेफिशिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड रुपीज 4,300। तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, अगर आपकी इनकम 16,000 है, डेफिशिट 4,300 है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, बताइए मुझे इसका आंसर। 11,700, 4,300 या फिर 20,300 या कुछ भी नहीं होगा, तो बताइए मुझे इसका आंसर ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर आते हुए सबके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 20,300। अब जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उनके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे जिससे बच्चों को समझ में आना चालू हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका था, आप छोटा सा आप क्या बना लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। इनकम आपको कितनी दे रखी है, 16,300 दे रखी है, ठीक है इनकम यहीं पर आती है बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक्सपेंडिचर आपका यहाँ आता है, ठीक है आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, और डेफिशिट हमारा यहाँ आता है 4,300, है ना, और दोनों के टोटल बराबर होते हैं हमको ये भी पता है, तो ये 20,300 हुआ, तो ये भी 20,300 हुआ, तो ये भी बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई, 20,300। ये चीज क्लियर हो गई, तो जो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 20,300, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जनरल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय अ फर्म टू अ पार्टनर, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसको कैसे सेटल किया जाएगा, बैंक टू लोन, लोन टू बैंक, रियलाइजेशन टू लोन, या नन ऑफ दीस, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर बी, एंट्री नंबर सी, या फिर नन ऑफ दीस। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन के दो आंसर या दो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक आपका आंसर ए हो सकता है और आपका एक आंसर डी भी हो सकता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, आपका एक आंसर ए भी हो सकता है, आपका एक आंसर डी भी हो सकता है, और दोनों रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ए की बात करते हैं, आपने लोन दिया था, आप उससे पैसे ले लोगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू लोन टू पार्टनर, सिंपल आपकी एंट्री खत्म, जो आपका लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका आंसर डी क्यों हो सकता है ये भी जरा बात करते हैं। देखो जब हम पार्टनर को लोन देते हैं तो उससे पैसा लेना है, चलो मैं आपको डायग्राम के साथ ही प्रेजेंटेशन के दिखा देता हूं, आपको लॉजिक साथ में क्लियर हो जाएगा। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहां पे पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, ठीक है, यहां पे पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, तो यहां से पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, यहां से पार्टनर को पैसा दिया जाएगा, हाँ या ना, जब डिसोल्यूशन है तो पार्टनर को पैसा देंगे लौटाएंगे, तो कभी कभार या मैक्सिमम टाइम फर्म क्या करती है, इस पैसे को इसी में एडजस्ट कर देती है, हमें आपसे लेना है, हाँ या ना, हमें आपको देना है, एडजस्ट कर दो, नेट ऑफ कर दो, तो होता क्या है, एंट्री पास हो जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये एंट्री भी पास हो जाती है, तो उस केस में एंट्री आपका डी ऑप्शन भी हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गया, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे भी टिक लगा सकते हो, आप ऑप्शन नंबर डी पर भी टिक लगा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। होता है कभी नेट ऑफ करना चाहो तो नेट ऑफ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बट यहां पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैंने डी ऑप्शन क्यों चुना, बट क्योंकि यहां पर रीजनिंग पूछी नहीं गई है, ये क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम के अंदर ए आंसर को इंपॉर्टेंस दी गई है कि इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये चीज क्लियर हो गया। तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए और ये भी बता दिया कि सीबीएसई ने क्या आंसर दिया, इसका आंसर ए भी हो सकता है डी भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली गो विद सीबीएसई,
ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। नॉलेज सीबीएसई को भी आपको भी है, बट मार्क्स के लिए सीबीएसई ने ए को इंपॉर्टेंस दी है, तो आप भी इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ कंपनी फोरफीटेड 4000 शेयर्स और ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। ₹3 आए हैं। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप। ठीक है, 2000 शेयर फुल्ली पेड अप पर रीइश्यू कर दिए गए हैं। ₹4000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में 2000-4000 ट्रांसफर भी कर दिए। तो मुझको ये बताइए कि शेयर कितने पे इशू हुए थे। व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर? ₹10, ₹9, ₹11 या फिर ₹8? बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर मैं पहले डिस्कस ही कर लेता हूं, क्योंकि आंसर पहले बता दूंगा तो फिर कैलकुलेशन करने में मजा नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन साथ में करेंगे और आंसर देखेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है हमने कितने शेयर फोरफीट करे। हमने 4000 शेयर फोरफीट करे, 4000 ही किए थे ना। एक मैं चेक कर लूं प्लीज। बिल्कुल सही। तो देखो बेटा, हमने 4000 शेयर फोरफीट करे थे, जिसपे सिर्फ एप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹3 ही क्या हुई थी, दी गई थी, और बाकी का नहीं दिया गया। ठीक है, हमने 2000 शेयर को क्या किया है, रीइश्यू किया है फुली पेड पर। ठीक है, और ₹4000 हमने क्या किया है, 4000 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो जरा मुझे बताएंगे रीइश्यू की एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पर आएगा हमारा 2000 इंटू 10, फुली पेड है तो 20000। ठीक है, अब देखो 4000 शेयर हमने कितने रीइश्यू करे, 4000 ना, तो 4000 ₹3 फोरफीट करे थे, कितना हो गया 12000। तो 2000 पे कितने फोरफीट करे होंगे हमने पैसे, 6000। अब 6000 में से 4000 हमने कैपिटलिज्म में डाल दिए, तो शेयर फोरफीचर में 2000 आए होंगे, है ना? बिल्कुल सही। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 18000। तो 2000 शेयर अगर 18000 के इश्यू हुए हैं, तो एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई, ₹9। ये चीज क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ₹9 पर शेयर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज प्लीज आप एक बार रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, चलो, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज आंसर्स राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर्स ऑन फर्म डिसोल्यूशन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वॉज ₹50,000, शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹10,000, and firm's liability was taken over by partner, or taken over by him, ₹8,000. उसकी capital balance था 50,000 का, 10,000 का realization का loss था, और 8,000 की उसने liability को take over कर दिया था। तो मुझको बताइए कि इसको कितना amount pay किया जाएगा, 32,000, 48,000, 40,000 या फिर 52,000? बताइए मुझे इस question का answer। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 48,000। ठीक है, कितना करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 48,000।
हाउस है। अब बात आती है सर ये ऐसा क्यों आया आंसर, जरा इसको आंसर को डिस्कस कर ले जरा। चलो इस आंसर को भी डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे बेहतर है। 50,000 उसकी कैपिटल थी, हाँ है ना, बिल्कुल सही। 10,000 लॉस था तो ऑब्वियस सी बात है माइनस कर देंगे, कैपिटल कितनी बची 40,000। ठीक है, अब उसने बोला लायबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो एक बात बताओ लायबिलिटी का पेमेंट अपनी जेब से थोड़ी ना करेगा वो, फर्म को उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो प्लस 8,000। तो करेक्ट आंसर होगा 48,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आपने इसी मिस्टेक्स को सुधारिए वरना आपके मन चाहे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं जस्ट बिकॉज उनकी लैंग्वेज रीडिंग प्रॉब्लम होती है। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1 5:6 1:6। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हमको दे रखा है, मशीन की वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपए 40,000। इफ वैल्यू ऑफ मशीनरी इन बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20% देन एट व्हाट वैल्यू विल मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर नीचे दी गई बैलेंस शीट में जो मशीन की वैल्यू है वो 20% से कम ऑलरेडी दिखाई दे रही है तो नई बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू दिखाई जाएगी मशीनरी की, 44,000 48,000 32,000 या फिर 50,000, बताइए मुझे इसका आंसर। तो आइए डिस्कस करेंगे हम इसका आंसर, और फाइनल आंसर देखने से पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन कि क्या करंट वैल्यू आएगी हमारी इसके अंदर। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में हमको मशीन की वैल्यू दे रखी है 40,000 और क्वेश्चन की लाइन बोल रही है कि बैलेंस शीट के अंदर जो मशीन की वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है बाय 20%। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, अंडर वैल्यूड है बाय 20%, मतलब ये 20% ऑलरेडी कम दिखाई दे रही है हमको, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो मुझको आप एक बात बताओ, कोई भी चीज की वैल्यू जो हम रखते हैं वो कितनी रखते हैं, 100 रुपीज रखते हैं, ठीक है, या 100% कह लो। 100% की वैल्यू हमको पता है, नहीं पता हमको। 80% की वैल्यू पता है, सर ये 80% कैसे आया बेटा, ये 20% कम है, तो 100 में से अगर मैं 20% माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, बिल्कुल सही। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40,000। तो अगर 80% की वैल्यू 40,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 × 40,000/80 = x, करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, और जीरो जीरो का देख लेना, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 50,000 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, जो वैल्यू 20% ऑलरेडी कम है तो वो 80% पर वैल्यू होगी, हाँ है ना। तो अगर 80% वैल्यू 40,000 है तो 100% वैल्यू कितनी होगी, तो 40,000 × 100/80 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 50,000। तो न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 50,000 रुपीज। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जरा डिस्कस करते क्या है। रेक्स टेक्स एंड फ्लेक्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 5:10 3:10 2:10 एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर is to be calculated on the basis of profits and turnover of previous accounting year. Profits and turnover of previous accounting period. Tax expired on 31st December 2019. Okay. Turnover till the date was 18 lakhs. जब तक वो जिया 18 लाख की सेल हो चुकी थी. The profits and turnover for the year 2018-19 was 4 lakh and 20 lakhs respectively.
एन अमाउंट ऑफ रुपीज डैश विल बी गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर एज हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो मुझे सिंपल वर्ड्स में, तीन पार्टनर थे 5-3-2 में डिसाइड हुआ था, जो अगर पार्टनर की डेथ होती है तो टिल द डेट ऑफ डेथ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और टर्नओवर के बेसिस पे लगाया जाएगा। जब तक वो जिया 31 दिसंबर 2019 तक 18 लाख की सेल हो चुकी थी और पिछले साल की सेल थी हमारी 20 लाख की और प्रॉफिट हमारा 4 लाख का, तो आपको ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा। एक मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करो। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। हमारे तीन पार्टनर थे आर टी एन एफ 5-3-2। टी की डेथ हो गई, कब हुई? 31 दिसंबर को हुई, ठीक है। प्रॉफिट किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा था? प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा? 4 लाख का, और सेल्स कितनी हुई थी? 20 लाख की। तो जरा परसेंटेज निकालोगे, जरा कितना हुआ, जरा परसेंटेज निकालोगे कितना हुआ? ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट कमाया, बिल्कुल सही। इस साल अभी तक की सेल कितनी हुई है टिल द डेट ऑफ डेथ? 18 लाख। 20% प्रॉफिट हुआ होगा, उसका शेयर कितना है? हो गया 18,000 × 6, 1,08,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये वन ऑफ द मेथड है प्रॉफिट्स निकालने का, ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। और आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये ही निकालने को आपसे पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का 1,08,000, ठीक है। चलो, और किसी का और कोई आंसर आ रहा है ना, तो वो घर में एक मजबूत दीवार देखे, सर दो बार मारे, उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 10 और आज के आखिरी क्वेश्चन की। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट आंसर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, कि पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। आई होप आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए पहली बार में, या जो भी आपकी गलतियां रही होंगी, या जो भी कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कमजोर है मेरा टॉपिक, तो उसको एक जगह पर नोट कर लो और उस पर जितना ज्यादा हो सके फोकस कर लो, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो प्लीज उस पर आप ध्यान दीजिए। टिल देन पढ़ते रहिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के अंदर। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।